जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। ठीक सुना दोस्तों, इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के ही आएगी। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सिर्फ दो कदम दूरी पे है। जी हाँ दोस्तों, सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है और फाइनल में भी आएगी और वर्ल्ड कप लेके ही आएगी। इस बार इंग्लैंड से इंडिया जब भी आएगी, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, ये करोड़ों भारतीयों की ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश पे टीम इंडिया जरूर खरी उतरेगी और वर्ल्ड कप जीत के आएगी। तो स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल हूं धवल पे, कहीं जाइएगा मत क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। इस वीडियो में टीम इंडिया पे चर्चा होगी, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पे चर्चा होगी, टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का अभी तक का जो सफर रहा है उस पे चर्चा करेंगे और आने वाली सेमीफाइनल और फाइनल पे भी चर्चा होगी। तो कहीं स्क्रीन छोड़ के जाइएगा मत। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर खबर आपको मिले सबसे पहले। और आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपको फेसबुक पे भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं। तो बात करते हैं टीम इंडिया, लाजवाब टीम इंडिया कहेंगे, नंबर वन टीम इंडिया कहेंगे, क्रिकेट का किंग कहेंगे, क्रिकेट का सरताज कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बार टीम इंडिया जिस तरह से पूरे वर्ल्ड कप में खेला है उस हिसाब से टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके ही आएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार टीम इंडिया फाइनल में जीत के वर्ल्ड कप लेके आएगी? आपकी राय जरूर कमेंट में लिखेगा। तो कल होने वाला है सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ कल सेमीफाइनल है और भारतीय टीम का पलड़ा सबसे भारी है। तो टीम इंडिया के अब तक की सफर की बात करें तो सिर्फ एक हार मिली है, वो है इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि उसमें भी बहुत नजदीक पहुंच गए थे। बाकी ओवरऑल देखे तो पहले से ही टीम इंडिया एक जीतने का जुनून लेके आई है, एक जीतने का जज्बा के साथ मैदान में उतरी है और सभी खिलाड़ी फुल फॉर्म में है। भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी टीमों को आसानी से उसने स्टार्टिंग में हरा दिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया स्टार्टिंग में बहुत ही आसानी से। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ था उसमें टीम इंडिया को, हालांकि वो मैच जीतते गए, लेकिन जीतने के साथ टीम इंडिया को मालूम पड़ा कि किसी भी टीम को हल्के में लेना नहीं है। वो बहुत ही बड़ी सीख वहां से टीम इंडिया को मिली और उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, वेस्टइंडीज को भी हराया। और क्या बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो धूल चटा दिए और हमारा रिकॉर्ड बरकरार रखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीतने से। क्योंकि वर्ल्ड कप में हम दो वर्ल्ड कप खेलते हैं, जब भी वर्ल्ड कप आता है तो हम दो फाइनल खेलते हैं, आप सबको मालूम है। पहला फाइनल फिक्स है, जब भी पाकिस्तान के सामने आता है तो समझ लो वो मैच जीत गए तो हम वर्ल्ड कप जीत गए, इतनी ही खुशी होती है। और दूसरा जो ओरिजिनल फाइनल मैच में हम जीतते हैं। तो पाकिस्तान को करारी हार दे दी थी टीम इंडिया ने और उसके बाद मैचे जीतते गए। हालांकि इंग्लैंड के सामने हमें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन टीम इंडिया फुल फॉर्म में है। रोहित शर्मा की बात करें, केएल राहुल की बात करें या इंजर्ड हुए शिखर धवन की बात करें, कप्तान किंग कोहली की बात करें या सेवन नंबर हमारे माही की बात करें, एवरीबॉडी इज फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी बैट्समैन फॉर्म में, सभी के सभी बॉलर भी फॉर्म में है। भुवनेश्वर कुमार की बात करें, शामी की बात करें और क्या बात करें बुम बुम बुमराह की। जी हाँ दोस्तों, बुम बुम बुमराह बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। फास्ट बॉलर में तो अभी कंपटीशन है कि किन दो बॉलर को चुने, क्योंकि सभी बॉलर हमारे फुल फॉर्म में है और ऐसा ही फॉर्म सेमीफाइनल और फाइनल में भी रखेंगे, ये हमें पूरी आशा है। और टीम इंडिया जीतेगी जीतेगी जीतेगी। तो सेमीफाइनल की बात करें तो हमें न्यूजीलैंड के सामने खेलना है। हालांकि हम टीम की कंपैरिजन करें तो टीम इंडिया भारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। हालांकि न्यूजीलैंड ने हमें प्रैक्टिस मैच में हराया था, लेकिन वो प्रैक्टिस मैच था। उसके बाद टीम इंडिया भरपूर फॉर्म में है और आज की टीम इंडिया पॉइंट टेबल पे नंबर वन है और न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल पे नंबर चार है। तो नंबर एक टीम का मुकाबला होगा नंबर चार की टीम से
और वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, कितना एक्साइटिंग भरा मैच होगा। पूरा हिंदुस्तान प्रार्थना करेगा, हवन करेगा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके आए। तो सेमीफाइनल आप जरूर देखेगा, सेमीफाइनल आप देख सकते हैं स्टार्स की सभी चैनल पे, हॉट स्टार पे लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैच देखना भूलिएगा नहीं, ये मैच बहुत ही एक्साइटमेंट है। और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी लगा के। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा बॉम्बे का लड़का फुल फॉर्म में है। केएल राहुल भी पहले 50 बनाते थे लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने भी शतक ठोक डाला है। हालांकि हमारे कप्तान कोहली ऑलवेज कंसिस्टेंट खेलते और 50 लगाते हैं। हालांकि उनसे बड़े खेल की उम्मीद अभी भी है और वो बड़ा खेल, बड़ा दाव सेमीफाइनल और फाइनल में देखने को मिलेगा। शिखर धवन जो कि इंजरों के बाहर हो गए, उन्होंने भी एक शतक यादगार लगा दिया है। जीत की नींव उन्होंने ही रखी थी टीम इंडिया की और वो भले ही चले गए लेकिन उनके ऑप्शन में ऋषभ पंत है, दिनेश कार्तिक है, कई सारे अच्छे खिलाड़ी है। तो देखते हैं नंबर 4 की पोजीशन कौन सेमीफाइनल में संभालता है। अभी लास्ट मैच में तो रविंद्र जाडेजा को भी चांस मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बार सिलेक्ट किए सभी खिलाड़ी को ऑलमोस्ट चांस मिल गया है, सिर्फ एक वो लास्ट में जो खिलाड़ी आया है अग्रवाल, उसे ही चांस नहीं मिला है। सेमीफाइनल फाइनल में तो उनका शायद नंबर नहीं लगेगा लेकिन कदाच किस्मत बदल जाए तो उनको भी चांस मिल सकता है। आई होप कोई इंजर्ड ना हो और विनिंग टीम हमारी आगे बढ़ती रहे और सेमीफाइनल ऐसा खेले कि फाइनल के आने वाली टीम हमें देखते ही मैदान पे हिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर टॉस जीतते हैं तो सेमीफाइनल में पहले बैटिंग लेनी है, ये मेरी राय है। आपकी राय नीचे कमेंट में लिखिएगा कि सेमीफाइनल जीतते हैं तो कौन सी टीम को बैटिंग लेनी चाहिए और आपकी क्या इच्छा है, टीम इंडिया की बैटिंग आनी चाहिए या बॉलिंग, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों कल का मैच देखना ना भूलिएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। जी हाँ दोस्तों, और ये मैच हम जीतेंगे और फाइनल में एंटर हो गए और लॉर्ड्स में कप लेके ही जाएंगे। एक बार हिस्ट्री फिर से रिपीट करेंगे, कपिल देव की कप्तानी में कप जीता है, धोनी की कप्तानी में कप जीता है और इस बार विराट की कप्तानी में भी 3रा वर्ल्ड कप हमें चाहिए। उम्मीद यही है, मोदी जी का शासन है, मोदी जी के शासन में भी एक वर्ल्ड कप आ जाए तो अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भी एक वर्ल्ड कप तो बनता है हमारा, तो आना चाहिए इस बार पक्का वर्ल्ड कप। इंग्लैंड की धरती से वर्ल्ड कप लेके ही टीम इंडिया आएगी। इसी विश्वास के साथ, इसी गुड लक के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ लेकिन सेमीफाइनल जीतने के बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा। तो आप चाहते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए वर्ल्ड कप क्रिकेट का, तो नीचे का लाइक बटन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब दबा के उसके बाजू के बेल के आइकन को दबा दीजिए और आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली धुआंधार पारी में, अगले धुआंधार वीडियो में। हूं धवल।